Hello everyone, welcome all of you in MH Math classes. Today I shall discuss a very important topic around skin. Okay, so इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए पहले हम डेफिनेशन ऑफ रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एबल्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद सम प्रॉपर्टीज देखेंगे और इससे रिलेटेड, रॉन्स्कियन से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रॉन्स्कियन, ओके। यहाँ पर देखिए रॉन्स्कियन का डेफिनेशन क्या होगा, ओके। सो हेयर लेट y1 एंड y2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स राइट साइड में जीरो होना चाहिए, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वेयर x बिलोंग्स टू a, b, ओके। जो आपको y1 और टू सॉल्यूशन गिवन रहेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओके, एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए जो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन yx इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, वेयर c1 एंड c2 बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ओके। ये जो गिवन इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोई अगर सिस्टम में लिखना चाहिए देन एज ए सिस्टम यू कैन राइट दिस। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लीजिए एक्स नॉट पे अगर इस डिफरेंशियल इस इक्वेशन को yx = c1 y1 एंड c2 y2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश एक्स इज इक्वल टू c1 y1 डैश प्लस c2 y2 डैश, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम एज ए सिस्टम में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, y1 x0 y2 x0 y1 x0 y2 x0 एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो रहेगा यहाँ पर c1 c2, वो ऐसे कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू y x0 y x0, ओके। ये जो सिस्टम है, ओके, इज दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा ये, इफ एंड ओनली इफ इसका डिटर्मिनेंट, ये जो इस मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए ए वाला मैट्रिक्स ए है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा y1 y2 - y1 y2, ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो पूरा डिस्कस किया, ओके, दिस इज नोन एज रॉन्स्कियन, ओके, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, ओके। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रॉन्स, हाँ पहले ये तो गया, इससे पहले मैं कुछ रॉन्स्कियन को आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि रॉन्स्कियन एक्चुअली है क्या, ठीक है। मान लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है a0 x, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, a0 x y डबल डैश प्लस a1 x y डैश प्लस a2 x y, दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, ओके, वेयर a0 x not equal to 0, ओके, a0 x not equal to 0 एंड बाकी जो फंक्शन है a1 a2, ओके, ये सब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ab, राइट।
देन रॉन्स्कियन ऑफ ए बी डिफाइंड बाय रॉन्स्कियन ऑफ एक्चुअली रॉन्स्कियन को W से डिनोट किया जाता है. रॉन्स्कियन ऑफ अगर Y1 Y2 रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 ऐसे डिनोट किया जाता है. ये W है ठीक है, दिस इज W. ओके रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 एट पॉइंट X इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट से लिखा जाता है Y1X Y2X Y1 Y2 विद अ सॉल्यूशन. सो रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 एट ए पॉइंट X इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Y1X Y2X एंड इधर क्या हो जाएगा Y1 का डेरिवेटिव एंड Y2 का डेरिवेटिव एट द पॉइंट X. ओके ये मेरा स्टेट डिटर्मिनेंट होगा राइट. सो ये हो गया आपका रॉन्स्कियन नॉर्मली डिफाइन किया जाता है ऐसे ठीक है. कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस टाइप का मिल जाए ठीक है, ओके अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिले वेयर ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड A1 A2 कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB देन रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 एट ए पॉइंट X इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Y1 Y2 एंड Y1 Y2. ओके अब चलिए एक एग्जांपल करते हैं. ओके इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं. एक्चुअली ये वीडियो मैं जस्ट इसमें सिर्फ रॉन्स्कियन का डेफिनेशन एंड रॉन्स्कियन से रिलेटेड एक दो एग्जांपल करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में मैंने एबल फॉर्मूला एंड फुल्ली डिटेल्स और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मैं वीडियो में शो करूंगा ठीक है. सो एक एग्जांपल लेते हैं. कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है मान लीजिए गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसका दो एग्जांपल मैं यहाँ पर ही करता हूँ ठीक है. एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू वाई डैश प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड बोल दिया है कि टू सॉल्यूशंस Y1X इज इक्वल टू एक्स एंड Y2X दिस इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स बी टू सॉल्यूशंस ऑफ वन. ओके ये दो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशंस ऑफ वन. ओके नाउ फाइंड रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 एट ए पॉइंट एक्स. रॉन्स्कियन क्या होगा देखिए रॉन्स्कियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट एक मिनट चलिए रॉन्स्कियन लीजिए. रॉन्स्कियन क्या है Y1X क्या है मेरा Y1 Y2 Y1 dash. यहाँ पर Y1 क्या है X और इधर क्या है X इंटू दी पावर X और इधर अगर Y1 का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर Y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड Y2 का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू दी पावर X प्लस फिर X इंटू दी पावर X राइट. तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा X
एक्चुअली ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x, ओके ये हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपको, x e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x, ओके। तो ये जो x e टू द पावर x हो रहा है और इधर माइनस x e टू द पावर x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x, ओके। ये हो जाएगा आपका फ्रंट स्कैन ऑफ y1 y2, ओके, फ्रंट स्कैन ऑफ y1 y2। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन सॉल्यूशंस है y1 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू x e टू द पावर x, ये बोथ आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो गया तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल ऑफ ईच अदर तो नहीं है, ओके, दोनों अलग अलग हैं, ये आप लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 ये बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एबल्स फॉर्मूला आ गया, एक मिनट, एबल फॉर्मूला में आज नहीं कर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए गिवन है तो ये तो आपका गया रॉन्सकियन ऑफ y1 y2। तो अगर मान लीजिए रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 y3 है, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो थर्ड ऑर्डर का है, लाइक थर्ड ऑर्डर का, देखिए मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो a नॉट x y ट्रिपल डैश प्लस a1 x y डबल डैश प्लस a2 x y डैश प्लस ए थ्री एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ओके। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो थर्ड ऑर्डर गए, और हेयर ऑल्सो ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए वन ए टू ए थ्री आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ओके, x जो है वो भी क्लोज इंटरवल ए बी पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। देन रॉन्सकियन ऑफ सो रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 y3 जो थर्ड ऑर्डर का रॉन्सकियन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रॉन्सकियन, रॉन्सकियन को थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको y1 y2 y3 थ्री सॉल्यूशन मिलेगा। तो रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 y3 हो जाएगा एट ए पॉइंट x y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, मानिए डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस साइन e टू द पावर 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो कोमा वन, ओके, विथ y1 y2 to be solution of this equation and given as y1 0 is equal to 0, y1 dash 0 is equal to 1, y2 0 this is equal to 1
एंड आर टू डैश जीरो इज इक्वल टू वन, देन वॉट इज द रॉन्सकियन ऑफ वाई वन वाई टू. ओके, रॉन्सकियन ऑफ वाई वन वाई टू क्या होगा एट पॉइंट जीरो. ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है. रॉन्सकियन ऑफ वाई वन वाई टू एट जीरो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ वाई वन जीरो वाई टू जीरो एंड डैश जीरो वाई टू डैश जीरो. ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो वन सॉरी सॉरी हाँ जीरो वन वन वन. ओके, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन दैट मीन्स माइनस वन, तो आंसर हो जाएगा माइनस वन. राइट, सो आज का वीडियो यहाँ तक ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए.